चलिए आज के इस सॉलिडवर्क ट्यूटोरियल में लूफ्टेड कट के बारे में समझते हैं। ठीक है, जो लूफ्टेड बॉस बेस मैंने आपको बताया था ना, सेम वैसा ही है, बस जो यहाँ क्रिएट होता था बॉडी और लूफ्टेड कट में वो कट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल चलिए बनाते हैं एक अपना बेस। ठीक है, टॉप प्लेन लेते हैं, स्केच। अब यहाँ पे चलिए एक स्केच बनाते हैं। चलिए सेंटर रेक्टेंगल लेते हैं। अब फीचर्स में आके इसको एक्सक्रूड करते हैं। चलिए ये इतना काफ़ी रहेगा। अब देखिए हमें दो स्केच चाहिए, जो लूफ्ट हम लोग यूज करके वो जो अपना डिज़ाइन है उसको कट कर सके। ठीक है, तो चलिए इस पे स्केच करते हैं, नीचे वाले पार्ट पे एक सर्कल यहाँ बनाते हैं और एक अपसाइड। ठीक है, इलिप्स बनाते हैं इस साइड। देखिए ये हमारा इलिप्स बन चुका है। ठीक है, अब चलिए राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच। अब जो हमने स्केच बनाया है ना, वहाँ पे एक पाथ भी होगा, पाथ रहेगा तो सही रहता है। जैसे कि इसको सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा एक पाथ हो जाएगा और एक पाथ ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों पाथ हो जाएगी हमारी। कनेक्ट कर देते हैं पियर्स, इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल, और ये जो स्केच है हमारा, और ये देखिए पियर्स ऑप्शन है, इस पे सेलेक्ट करेंगे तो ये पियर्स हो जाएगा। सेम वैसे ही इस पॉइंट को इसी स्केच में पियर्स कर देंगे। ठीक है, अब जो अपसाइड का है उसको भी सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल पियर्स, इस पॉइंट को भी सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल पियर्स। तो ये देखिए ये हमारा दोनों पाथ हो गया है और ये दो स्केच है, सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आता है फीचर्स में, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ लूफ्टेड कट इसका ऑप्शन आ रहा है ना, इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे प्रोफाइल पूछ रहा है, अब प्रोफाइल एक अप साइड का सेलेक्ट करते हैं और एक ये डाउन साइड का। ठीक है, ये फेस सेलेक्ट हो गया। ये देखिए ये हमारा दोनों प्रोफाइल सेलेक्ट हो गया। अगर हम कट करते हैं तो डायरेक्टली ऐसे कट हो जाएगा, पर हमें ये कर्व जो है हमने पाथ बनाया है, इस पाथ को भी सेलेक्ट करना है। तो ये गाइडेंस कर्व सेलेक्ट करते हैं, एक ही है। ठीक है, और एक ही है। अब ये दोनों भी सेलेक्ट हो चुका है हमारा। अब देखिए नीचे ऑप्शन है थिन फीचर्स, तो इससे आपको पता है ये जो कट हो रहा है होल वो नहीं होगा, बस इसमें जो हमारा स्केच है उसमें एक चौड़ाई आ जाएगी जितना mm हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें पूरा ही चाहिए इसीलिए हमने ये सेलेक्ट किया। अब सिंपल सा राइट क्लिक करेंगे। अब देखिए ये हमारा प्रोफाइल लूफ्टेड कट होकर आ चुका है। देखिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा अच्छे से, मैं दिखाता हूँ यहाँ से। देखिए ये देखिए किस हिसाब से कट हुआ है। ठीक है, देखिए ये देखिए यहाँ से ये डायरेक्शन चेंज करता हूँ मैं। देखिए ठीक है, तो ये यहाँ से समझ आएगा। देखिए इस डायरेक्शन से देखिए कैसे किस तरीके से कटिंग हुई है। ठीक है, ये देखिए ये लूफ्टेड कट से हमने कट किया है। ऐसे ही नॉर्मली हम चाहें तो ऐसे नहीं कट हो सकता है, पर जो लूफ्टेड कट है उससे हम ऐसे ही पैटर्न का अपने हिसाब से काफ़ी अच्छे डिज़ाइन से कट कर सकते हैं। तो काफ़ी यूज होता है लूफ्टेड कट भी, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा ये वीडियो।
फुल, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बाउंड्री कट के बारे में समझाऊंगा आपको बाद में। अभी देख लीजिए, ये जो है लूफ्टेड कट का, तो इस हिसाब से हम कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।